जो पहले से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना लोग, उनको जो हक मिले हुए हैं उनसे एक इंच मात्र भी उनसे छेड़खानी नहीं होगी। जो गुजर बकरवाल लोगों को, गद्दी सीपी और शीना लोगों को 10% रिजर्वेशन इससे पहले मिलती आ रही है वो उसी तरह बरकरार रहेगी। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों को उसी कोटे की नौकरियां मिलती रहेंगी। और जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की बात आई, उस वक़्त गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को ये डराया गया, उनको ये प्रोपेगेंडा एक किया गया उनके सामने कि आपका हक जो है वो छीना जा सकता है। अमित शाह साहब ने खुद आके 4 अक्टूबर 2022 को रजौरी में और 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला में कहा था, पहाड़ियों को उनका हक देंगे लेकिन गुजर बकरवालों का हक नहीं छीनने देंगे। कुछ लोग हैं जिनकी अब सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ लोग थे जो पहाड़ियों को और गुजर बकरवालों को आपस में जहर घोलकर दूरियां पैदा करते थे, लड़वाते थे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए, और काफी सालों से वो डिमांड थी जो पिछली कुछ सरकारों के आगे बोल बोल के शायद थक चुके थे लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए, और ये संभव हो चुका है, वो हुआ है तो वो मोदी सरकार के कारण हुआ है। और आपको याद होगा 3 दिवसीय दौरे के लिए अमित शाह जी जो है जब जम्मू कश्मीर आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये वादा किया था कि जल्द जो है पहाड़ी कबीलों की जो है सुनवाई होगी और उनके चेहरे पर खुशी जो है आएगी। एक ट्वीट भी बड़ा सुबह से फेमस हो रहा है, कड़ाका कड्डी उड़िया। अब वो कड़ाका कैसे निकला, किसने निकाला और किसने वो ट्वीट किया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र राणा हमारे साथ हैं। रविंद्र राणा जी, ये कड़ाका कड्डी उड़िया ये सिरे का बड़ा वायरल हो रहा जी, हैश टैग ट्रेंडिंग से चला था, एक कुदे कड़ाके निकले थे कुदा ये? सबसे पहले मैं पहाड़ी कबीले के जितने भी मेरे भाई बहन हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक उनकी देरी ना मांग थी उसको मोदी हुकूमत ने मान लिया है, और पहाड़ी कबीले के लोगों को भी एसटी का स्टेटस सरकार ने दिया है, बिल लोकसभा से आज पास हो गया है। पिछले 50 सालों से एक जद्दोजहद पहाड़ी कबीले के लोगों ने की और बिल आखिर मोदी हुकूमत ने ये बड़ा फैसला लिया और हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने ये बड़ा फैसला लिया। मैं तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। वहीं जो मेरे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के मेरे भाई बहन हैं मैं उनको भी इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि उनके दिल में कुछ डर थे, खदशात थे, कुछ रिजर्वेशंस थी कि शायद उनके कोटे का एक हिस्सा पहाड़ी कबीले को शायद दिया जाए, इसका डर उनको सता रहा था, लेकिन बिलाखर ये चीज़ फाइनल हो गई कि जो पहले से गुजर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना लोग उनको जो हक मिले हुए हैं उनसे एक इंच मात्र भी उनसे छेड़खानी नहीं होगी। जो गुजर बकरवाल लोगों को, गद्दी सीपी और शीना लोगों को 10% रिजर्वेशन इससे पहले मिलती आ रही है वो उसी तरह बरकरार रहेगी। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों को उसी कोटे की नौकरियां मिलती रहेंगी। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशंस और स्कॉलरशिप उसी तरह मिलती रहेंगी जैसे पहले उनको मिलती आ रही हैं। गुजर बकरवालों के एसटी स्टेटस से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, उसमें कोई जो है तरमीम नहीं की गई है, वो एज इट इज़ बरकरार है। और इसके लिए मैं अपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के भाई बहनों को भी मुबारक देता हूं कि उनके हक बरकरार हैं, उनके हकों से छेड़खानी नहीं की गई है, और पहाड़ी कबीले के लोगों को मुबारक है कि उनको उनके हक दे दिए गए हैं लेकिन अलग से मिले हैं। कुछ लोग जानबूझ के सियासी वबंडर और बखेड़ा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां
लंबी सियासत लोगों ने की है सिर्फ पहाड़ी और गुजर के नाम से आपस में लोगों को लड़ाने के लिए। लोगों को लड़ाया गया, लोगों को आपस में जहर घोल के एक दूसरे से दूर करने की साजिशें हुई और वो सब सियासतदान करते हैं। आम लोगों की तो एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, आम लोगों का भाईचारा, मेल जोल, दोस्ती, प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, चाहे पहाड़ी हैं, चाहे गुजर हैं, बकरवाल हैं। कुछ सियासतदानों को यह हजम नहीं होता था, और जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की बात आई, उस वक्त गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को ये डराया गया, उनको ये प्रोपेगेंडा एक किया गया उनके सामने कि आपका हक जो है वो छीना जा सकता है। अमित शाह साहब ने खुद आके 4 अक्टूबर 2022 को रजौरी में और 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला में कहा था पहाड़ियों को उनका हक देंगे लेकिन गुजर बकरवालों का हक नहीं छीनने देंगे। और आज ये साबित हो गया कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके हक महफूज हैं, बरकरार हैं, कोई छेड़खानी नहीं है। पहाड़ियों को अलग से एसटी दे दिया गया। आपको लगता नहीं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपको लगता नहीं कुछ महीनों पहले की बात करें कुछ या सालों पीछे की बात करें तो ये कौन लोग हैं जो भड़काने का प्रयास कर रहे थे, जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि देखिए जी ये भी बोलते थे कि हमें कोई स्टेटस नहीं चाहिए, कौन कहता है इनको स्टेटस दे दो, और ये कहते हैं देखिए जी एक का निवाला निकाल कर दूसरे को दे देंगे। आखिरकार आज उनको जवाब मिल गया सभी को जो भड़काने का काम कर रहे। कुछ लोग हैं जिनकी अब सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ लोग थे जो पहाड़ियों को और गुजर बकरवालों को आपस में जहर घोल कर दूरियां पैदा करते थे, लड़वाते थे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया गया है लेकिन गुजर बकरवालों के एसटी के कोटे से कोई छेड़छाड़, कोई उसमें से छीना झपटी नहीं की गई है। पहाड़ियों को अलग से एसटी दिया गया। ये कौन लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं? आपको तो इल्म होगा इस चीज का, मालूम होगा। हमारा काम है सबका भला करना। गुजर बकरवाल भी मेरे हैं, पहाड़ी भी मेरे हैं, और एक बात और, ओबीसी के समाज को भी आज वो उस बिल में उनके लिए भी रिजर्वेशन पास की गई है। ओबीसी जम्मू कश्मीर में 42 कास्ट, कुछ पहले से हैं कुछ नई जोड़ी गई, तो ओबीसी के लोगों को मुबारक, पहाड़ी कबीले के लोगों को मुबारक कि इनको इनके हक मिले, गुजर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना लोगों को मुबारक कि उनके हक बरकरार हैं, उसमें किसी ने छेड़खानी नहीं की। भाजपा के खेमे में तो खुशी नजर आ रही है, इन लोगों के खेमे में खुशी नजर आ रही है, क्या ये ही खुशी मैडम महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर भी होगी, डॉक्टर फरीदुल्लाह के चेहरे पर भी होगी? वो भी कहते होंगे अंदर ही अंदर कहीं कहीं ना कहीं कि चलो इन्होंने तो कर दिया, कहीं ना कहीं खुशी तो बांटी जो हम नहीं कर पाए। देखो 70 साल गुजर बकरवालों को उनके हकों से महरूम रखा गया, 70 साल पहाड़ियों के साथ इस्तेसाल हुआ, 70 साल ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुल्म हुआ, दलित समाज के लोगों के साथ यहाँ पुरानी सरकारों ने बहुत जुल्म किया। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर तबके के साथ इंसाफ किया, जब यहाँ गवर्नर रूल लगा और दिल्ली में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए तो गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक मिले, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस दी गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का काला कानून जो एनसी कांग्रेस पीडीपी ने मिलकर 2009 में गुजर बकरवालों के लिए लाया था वो काला कानून मोदी साहब ने खत्म किया, तो गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को इंसाफ मिला। आज पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक दिए जा रहे हैं, ओबीसी के लोगों को उनके हक दिए जा रहे हैं, दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को उनके हक दिए जा रहे हैं। सबका साथ, कस्टोडियन वाले अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये मिशन है मोदी साहब का, उसी मिशन से काम हुआ है, और आप देखेंगे इस फैसले के बाद सब लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसी को कोई परेशानी तकलीफ नहीं। क्या कस्टोडियन का भी मसला हल होगा जल्दी? वो भी चाहते हैं कि कब से पीओजेके से जो कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी लैंड एक्ट्स वो एक अलग से वो है, और हम चाहते हैं कि वो मसला भी हल होना चाहिए।
चूंकि इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि पीओके का एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हम हमारा ही है, लेने की तैयारी है। और लेकिन जब वो आएगा उस वक्त क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन फिर भी इसका कोई अल्टरनेटिव, कोई ना कोई मॉड्यूल डिजाइन जरूर मुझे लगता है कि बनेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, भाजपा बड़े मसले मिसाइल जो है वो लोगों के हल करते आई है, डेली वेजेस भी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, टकटकी लगा के बैठे हैं कि आखिरकार हमारे साथ रविंद्र राणा जी बहुत बार आए, बहुत बार बैठे, बहुत बार मिले, लेकिन अभी तक वो एक उम्मीद लगा के बैठे, उनकी उम्मीदों पर कहीं पानी तो नहीं फिरेगा। हम तो, मैं तो कोशिश कर रहा, डेली वेजर्स और रेवरी खेल, रेवरी जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, SPOs, इन सब के मसले हल और होंगे, इन सब के मसले हल होंगे और जल्द ही हल होंगे। और जाहिर सी बात है कि आज जो एक खुशी जो है पहाड़ी कबीले में नजर आ रही, और कोशिश यही थी भाजपा की, देखिए जी जो लगातार गुमराह करने की राजनीति कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मनसूबों पर जो है वह खरे ना उतर पाए, और एक बड़ा ऐलान, एक ऐतिहासिक ऐलान जो है वो आज हुआ है। और जाहिर सी बात है उतनी ही, जितनी खुशी पहाड़ी कबीले में है उतनी ही खुशी भाजपा के खेमे में भी आज जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए चलवन, राहुल खत्री, नमस्कार।